करबो बलौदा बाजार के भटगांव के। जी हाँ, स्कूली छात्र मन ह रायपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग में जाम कर दिए है, चक्का जाम कर दिए है। बता दें कि जो स्कूली लइकन मन के खेल के मैदान है ओमा कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, बड़े लापरवाही माने जाए नगर पंचायत भटगांव के। जी हाँ, स्कूल के लइका मन के खेल के मैदान में कॉम्प्लेक्स बना दिए गए है, जेकर लगातार स्कूल के लइकन के संग व्यापारी संग एकर विरोध करत रही से, जेकर बावजूद मनमानी तरीका ले एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कराए गए है। वही बात ले के आज स्कूल के लइका मन हा जाम कर दिए, चक्का जाम कर दिए है रायपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग ला। सैकड़ों के संख्या में स्कूली छात्र मन हा बैनर पोस्टर लिए हाथ में एक कॉम्प्लेक्स के विरोध कर रहे थे। ज्यादा जानकारी पर हमारे डिजिटल रिपोर्टर संदीप हमारे से जुड़ा थे। संदीप, कौन प्रकार के मांगे, कतका लापरवाही माने जाए, काखर द्वारा एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण करवाए गए है, और आखिर लइका मन ला कौन तरह से तकलीफ झेलेल पड़त है, उमन ला का चीज असुविधा हुआ थे? जी नीरज, मैं आपको बता दूं, जैसे कि नगर भटगांव के जो सबले बड़ी स्कूल हवे श्री प्रेम वन प्रताप से संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जो हवे, येकर जो जो खेल मैदान है स्कूल के पीछे, वो खेल मैदान आदिकाल से जो है स्कूल के कब्जा में रही से, और अभी जो है नगर पंचायत सीओ के द्वारा जो है मिनी स्टेडियम निर्माण के बहाना से जो है एक कॉम्प्लेक्स निर्माण कर दिए गए है, जेकर से जो खेल मैदान वो काफी सकरा हो गए है, और जो खेले कूदे के लिए जो जगह है वो बिल्कुल पर्याप्त जगह नहीं रह गए है, जेकर जो है विरोध में लइका मन जो है आज जो मुख्य मार्ग जो है नगर भटगांव के दुर्गा चौक जो है रोड जाम कर दे, प्रदर्शन करत हवे, और ये मन के संगे संग यहाँ के जतका भी जो है नगर के नागरिक है, नगर किसान विकास समिति है, व्यापारी संघ, सबके जो है पूरा सहयोग देखे पर मिलत है, और जो है इस संबंध में और ज्यादा जानकारी पर यहाँ बात करते हैं यहाँ संघ के अध्यक्ष होकर से, और गुड़ बात करके जानते हैं कि कौन कौन मुद्दा लेके यहाँ जो है चक्का जाम करे गए हैं। आओ आओ, मैं आप बात अभी बात करते हैं यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष होकर से। संदीप, एक बात और जानना चाहबो, शासन प्रशासन के कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं अभी जगह में, का कुछ आश्वासन मिला थे उमल्ला, का कुछ कहना है उखर मन के? जी जी नीरज, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है पुलिस की अमला देखे पर मिले थे, संगे संग जो है तहसीलदार भी यहाँ मौजूद है, फिर जो है वो मन के समझाइश के बाद भी जो लइका मन नहीं माने थे, काबर की ये जो मामला है बहुत पहले से विचाराधीन में न्यायालय में, बावजूद जो है अभी तक लइका मन के कोई बात के जो है कोनो प्रकार से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, आज से एक हफ्ता पहले भी जो है लइका मन जो है रैली निकाल करके आवेदन दिए रही से, नगर पंचायत सीओ आवेदन दिए रही से, तहसीलदार कार्यालय में भी आवेदन दिए रही से, लेकिन कोनो प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जेकर से जो चक्का जाम करे है। मैं आपको बता दूं, ये जो मामला रही से एक संबंध में विकास समिति मन भी जो है बहुत ज्यादा जो है रोक लगावर आवेदन दिए रही से, लेकिन ओवर टाइम भी कोई रोक नहीं लगा गई से, और जहां तक मोर जानकारी यहाँ लइका मन के बताने अनुसार, अगर कोरोना काल नहीं रहती लइका मन के क्लास लगत रहती तो ये जो निर्माण करे हुए बिल्कुल भी नहीं हो रहती, लेकिन कोरोना काल का फायदा उठा के जो है नगर पंचायत के द्वारा ये निर्माण कार्य कराए गए, जेकर विरोध में आज जतके भी लइका है ये सब लइका मन जो रोड मार करके बैठ गए, और लइका मन के मांगे की जब तक हमारे निराकरण नहीं हुई तब तक हमारे रोड से नहीं हटाना। बिल्कुल संदीप, आपन बतात रहा कोई लंग बात कराना चाहत रहा अपन छात्र मन से, तो मौजूद है का जगह में बात हो जाए का छात्र मन से, उनको समस्या ला जान लेते हैं। हाँ, छात्र संघ का अध्यक्ष मौजूद हवे, गोर बात करबो कर से जानते हैं कि मामला में जो है कहाँ कहाँ आवेदन दिए है, और के बार रैली निकाले सारी चीज भी जानते हैं, बात करते यहाँ के छात्र के अध्यक्ष जो हवे ओकर से। क्या नाम है आप? हमारा नाम रिंकू पटेल। और बात आइए, आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? यहाँ पर सभी छात्र कितने दिन से मांग कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स व्यवसाय परिसर को हटाया जाए और खेल मैदान सुरक्षित किया जाए, लेकिन यहाँ के जो भी मतलब कार्यकर्ता कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, सबसे पहले हमें जानना चाहो कि ये आज जो चक्का जाम कर रहे हैं, अगर मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कॉम्प्लेक्स को हटाया जाए, जब तक नहीं हटेगा हम लोग यहाँ पर हटेंगे नहीं। आज से पहले भी अपन ये कॉम्प्लेक्स हटाए जो है मांग करे रहा हो, ये आवेदन वगैरह दिए रहो, का कुछ हम लोग आपके SDM ऑफिस थाने में हर जगह मतलब आवेदन दे चुके हैं, और यहाँ पर बहुत शर्म की बात है, SDM सर आके यहाँ पर बैठे लेकिन हम लोग से बात तक नहीं किए, एक शब्द यहाँ पर क्या करें, SDM सर किस लिए आए हैं, इससे अच्छा नहीं आ रहे थे। अच्छा,
अभी ये अगर जिन तरीका से अपन मांग करे हो, अगर ये मांग पूरा नहीं हुई तो अपन के आंदोलन जारी रही। अगर मांग ध्यान नहीं दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपन के। जैसे कि यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष जो हवे वो स्पष्ट कहना है कि यहाँ एसडीएम साहब भी जो मौजूद हवे, बावजूद छात्र संघ के अध्यक्ष से कोई बात नहीं कर पाते। ये छोटकन बात में बहुत बड़ी बात होते कि एक पूरा ब्लॉक के जो राजस्व अधिकारी होते वो स्वयं यहाँ पर पहुंचे हुए बावजूद एक छात्र संघ के अध्यक्ष से बात नहीं कर पाते और ये मामलों प्रकार से विचार नहीं करते। और लड़का मन की स्पष्ट मांग है, जो छात्र संघ के अध्यक्ष को स्पष्ट कहना है कि अगर जो मन का मांग है मांग पूरा नहीं करी तो ये मन ये चक्कर हमला ऐसे ही बरकरार रखी, प्रदर्शन करते रहे। जी संदीप, अब देखे वाला बात हुई कि आखिर कब तक इखर मांग पूरा हुई और शासन प्रशासन का कुछ कड़ा रुख अपनात हुए, जो सही फैसला है ओला करे के कर ही। तो संदीप जी, ये तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। तो ये बड़े सवाल है कि आखिर लड़का मन के जो भविष्य है वो अभी अंधकार में दिखत है। लड़का मन के जो खेल के मैदान में खेले पर जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिला थे। लड़का मन ला जो सही जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। आखिर देखे वाला बात हुई कि जो कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया गया है ओमा अब का कुछ कार्रवाई करे जाए शासन प्रशासन के द्वारा, ये तो समय ही बताई। बेरा छोटकुन ब्रेक लेके देखत रहा न्यूज़ 36।